हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लाइफ इज ए हार्ड वर्किंग चैनल। 29 जुलाई को एलटी ग्रेड के जो एग्ज़ाम हुए थे फ्रेंड्स, उसके मैं जो है आंसर की कुछ लेकर के उपस्थित हूँ। एक दो प्रश्न जो ऑब्जेक्शन में हैं, कंफ्यूज हैं, तो उसके भी आंसर मैं बता दूंगी। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है बुकलेट नंबर ए सीरीज का, ये जो है देखेंगे बी है और बी का है, तो सीरियल नंबर इधर उधर होंगे, तो आप प्लीज़ आप देख लेंगे अपना। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न इसमें क्या है कि आप उत्तर देखते चलेंगे इसका डायरेक्ट। निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? तो ये तीन जो है सेम है फ्रेंड्स, और खसरा इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है दूसरे का ऑप्शन हमारा, निम्नलिखित में से युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी हमारा सुमेलित नहीं है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा हमारा प्रश्न है कि संचार उपग्रह सदैव भू स्थिर रहता है, सी ऑप्शन दिस करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं फोर का, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम की के साथ जो बढ़ती है? तो हमारा बी ऑप्शन इस करेक्ट फ्रेंड्स, जर्मेनियम्स के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो है कि 2√3 सीएम्स भुजा वाले समभुज का क्षेत्रफल होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 18√2 सीएम्स स्क्वायर फ्रेंड्स, तो हमारा बी ऑप्शन इस करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा जो है नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे फ्रेंड्स, ये प्रश्न ये इसका आंसर थोड़ा कंफ्यूज है, आप देख लेंगे और कमेंट में बताएंगे कि 6 का कौन सा आंसर सही होगा। नेक्स्ट 7 पे देखते हैं कि यदि द्विघाती समीकरण 2 स्क्वायर दिया है यहाँ पे, तो प्लस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो इसका दूसरा मूल है क्या? तो इसका प्लस 1 सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट का हम देखे हैं कि मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ? तो ये जो है मई महीने का करंट अफेयर है, तो ये राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रमंडल जो है खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो सायना नेहवाल ने जीता। नेक्स्ट हमारा इसमें ये ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट में देखेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान था, तो इसमें 137वां था स्थान फ्रेंड्स। इसमें कुछ लोग ऑप्शन इसके बता रहे हैं 38 फ्रेंड्स, तो 38 नहीं, आप देख लेंगे करेंट्स का करेक्ट ऑप्शन ये है, कई वीडियो में हम देखे हैं तो गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलिच्छ कहा जाता था फ्रेंड? तो इसमें जो है ये ऑप्शन ऑब्जेक्शन में है थोड़ा, तो इसलिए इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट में हम देखते हैं हमारा कि 12 का जो है मिलान का है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आप देख लेंगे कि क्या करके आए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा 13 का है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के जो है संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पहला ऑप्शन बस करेक्ट है, ओनली वन ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया? तो हमारा ये ऑप्शन इस करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में स्थानीय स्वायत्त जो है शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपिन को कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो 2 वीक के लिए, 14 दिन के लिए, इसमें तो हमारा ऑप्शन बी इस करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो है कि भारत में किस राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचना किया गया है? तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है 18 का। नेक्स्ट हम देखते हैं 19 में जो है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधन शाला नहीं है? छत्तीसगढ़ में नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो ऑरेंज रिवर नहीं बहती है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना का हास अभिलिखित है, तो नागालैंड में, सी ऑप्शन इज करेक्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर हमारा कि मल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है, तो जन्म मरण। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है, तो पारिस्थितिक तंत्र। दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कहाँ किस राज्य में स्थित है, तो सभी लोग को फ्रेंड्स पता होगा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR कुल प्रजनन दर बच्चों के प्रति महिला है 2.2। नेक्स्ट हम देखते हैं वैसे फ्रेंड्स करेंट्स में जो हम देखे थे कि 2.4 था, बट वह ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, तो हमारा ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है, तो 1921 फ्रेंड वी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि SRI विधि संबंधित है, धान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो फल छेदक, मूंगफली फल छेदक है, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं मक्का आलू मूंग के फसल चक्रण की सघनता है, तो 250% का है, सी दिस ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है लास्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो हमारा अलसी चमत्कार। तो फ्रेंड्स आई होप जो प्रश्न यदि रांग होंगे तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं।